नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं, शिवसेना के नेता संजय राउत और NCP की नेता सुप्रिया सुले के साथ महाविकास अघाड़ी का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। वही घोषणा पत्र जारी करते हुए उन्होंने राज्य से कई चुनावी वादे किए, साथ ही उन्होंने BJP नेताओं के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर भी बयान दिया। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, आपने मनुस्मृति को स्वीकार करके पहले ही समाज को बांट दिया है, अब और बांटना चाहते हैं। कौन काटने को कहता है? आप 140 करोड़ जनता को काटेंगे? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बांटना नहीं है, इसीलिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी कुर्बानी दे दी। योगी जी और मोदी जी का स्लोगन अलग अलग है। मोदी जी कहते हैं कि एक है तो सेफ है, हमने एकता और आजादी के लिए जान कुर्बान की है, हमारे लोगों ने लड़ा है और आजादी दिलाई है। जिन्होंने आजादी दिलाई उनको ही मारने वाले लोगों से में से आप हैं। आपको बता दें कि BJP हमेशा से नफरत की राजनीति करती चली आ रही है। BJP ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी कोई भी काम जनता के हित में किया ही नहीं है। BJP के पास जनता के सामने जाने के लिए, उनको दिखाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, जिसको देखते हुए और ढार के डर से BJP नेता समाज में नफरत और हिंसा फैलाने की बात करते हैं और जनता को लगातार गुमराह करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे की जमकर आलोचना हो रही है। सभी मजहब के लोग BJP से नफरत करने लगे हैं। PM मोदी की रैलियों में जनता ने जाना बंद कर दिया है, जिससे PM मोदी की जमकर फजीहत हो रही है और खाली कुर्सियों को देख करके मोदी को अब अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है। बता दें 2014 में जनता से मोदी ने खूब वादे किए थे, धीरे धीरे 5 साल का उनका कार्यकाल बीत गया, लेकिन मोदी के द्वारा किया गया एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद एक बार फिर से मोदी ने 2019 के चुनाव में जनता से समर्थन मांगते हुए कहा कि मुझे एक बार मौका दो और मैं अपना सारा वादा पूरा कर दूंगा। 2019 में जनता एक बार फिर से उनके झांसे में आ गई और मोदी को वोट करके दोबारा सत्ता का ताज उनके सर पे स्थापित कर दिया। फिर समय बीतता रहा, मोदी अपने खास मित्रों का भला करने में और विदेशी यात्राओं में व्यस्त रहने लगे। देश की गरीब जनता महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम चीजों में उलझ कर रह गई और मोदी ने देश की जनता से जो भी वादे किए वो एक भी वादा ही पूरा नहीं किया और देश की जनता को एक बार फिर से निराशा ही हाथ लगी। वहीं 2024 के चुनाव में जनता ने मोदी और उनके झूठ को नकार दिया और मोदी बैसाखी के सहारे आ गए। उनके बाद मोदी सहित सभी BJP नेताओं को उनकी असलियत जनता पता चल गई कि उनकी छवि जनता के बीच में खराब हो चुकी है और अब जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है, जिसके बाद से BJP के नेताओं ने नफरत की राजनीति शुरू कर दी है और उनके शब्दों का स्तर इतना गिर गया कि मंगलसूत्र भैंस के बाद से सीधे बेटी पर आ गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नफरत के स्तर को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जनता के सामने परोस दिया, जिसका खामियाजा BJP को बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा और आने वाले दिनों में BJP का वो हाल होगा कि जो किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी और BJP का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर BJP के नेताओं के बयानों और शब्दों का स्तर ऐसे ही गिरता रहा तो आपको बता दें कि मोदी ने अपने कार्यकाल में जनता के हित के लिए कोई भी काम नहीं किया है। विश्व बैंक से कर्जा लेकर GDP ग्रोथ को जनता के सामने झूठा रखा है। देश में बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बेरोजगार युवा जो हैं वो नौकरी पाने के लिए सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं और उन्हें रोजगार ही नहीं मिल रहा है। महंगाई ने पूरा बजट बिगाड़ दिया है। मोदी सरकार ने देश में नफरत और हिंसा फैलाने के अलावा देश हित में कुछ भी नहीं किया है, जिसका खामियाजा जो है वो आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। और BJP 2014 के बाद से जिस तरह से उभरी थी, फिर से पहले की तरह से लोग BJP का नाम फिर भूल जाएंगे। आपको बता दें कि बटेंगे तो कटेंगे नारे का जनता से कोई लेना देना नहीं, देश की जनता एक है, सभी लोग प्यार और सौहार्द पूर्वक रह रहे हैं, बस उनको रोजगार और महंगाई से राहत चाहिए। लेकिन देश की नफरती सरकार को इन जमीनी मुद्दों से कुछ लेना देना ही नहीं है, उनको तो बस अपनी कुर्सी ही पड़ी है और BJP के लोग कुर्सी के लिए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक गिर भी सकते हैं। उनकी बातें जनता से छुपी तो है नहीं, ये सब बातें। बता दें कि MVA का घोषणा पत्र जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर जमकर निशाना साधा और उनके नफरती बयानों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी ने रविवार को महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। MVA ने अपने घोषणा पत्र का नाम महाराष्ट्र नामा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारे 5 स्तंभ हैं। महाराष्ट्र का विकास और प्रगति, खेती, ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर आधारित होगा। खड़गे ने कहा कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं और ये पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होगी।
हम हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए की मदद करेंगे। महालक्ष्मी स्कीम महिलाओं को 3,000 रुपए महीना देगी। महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री रहेगी। हम उन किसानों को 50,000 रुपए देंगे जिन्होंने अपना कर्ज जो है वो वक्त पर चुकाया है। वहीं महाविकास अघाड़ी का मैनिफेस्टो जारी करने के बाद खड़गे ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने लाल किताब का इस्तेमाल केवल संदर्भ के लिए किया है, ये संपूर्ण संविधान नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी ने 26 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी ऐसी ही एक प्रति दी थी और उन्होंने दोनों नेताओं की तस्वीर दिखाई। बता दें कि खड़गे ने लाल किताब दिखाते हुए कहा कि जैसा मोदी और भाजपा बता रहे हैं ये कोरी नहीं है। पीएम मोदी को फिर से प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलाना जरूरी है। पीएम खुद ही लाल रंग का संविधान राष्ट्रपति को देते हैं और हमें अर्बन नक्सल बोलते हैं। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार फिर महाराष्ट्र की मौजूदा महायुति सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि डबल इंजन सरकार पटरी से उतर गई है। महाराष्ट्र के लिए जरूरी है कि वो महायुति सरकार को हटाए और सुशासन के लिए एमवीए को सपोर्ट करे। खड़गे ने कहा कि एमवीए घोषणा पत्र में ग्रामीण और शहरी विकास तथा कृषि के विकास पर जोर दिया गया है। जाति जनगणना लोगों को बांटने नहीं बल्कि समझने के लिए है कि अलग समुदायों को किस तरह रखा गया है ताकि उन्हें ज्यादा लाभ मिल सके। वही 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस इस बार कम सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस ने पिछली बार 147 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, वहीं इस बार जो है वो 44 उम्मीदवार कम उतारे हैं। एमबीए से कांग्रेस ने 103, उद्धव गुट ने 89 और शरद गुट ने 87 उम्मीदवार उतारे हैं। इसके साथ एमबीए ने जातिगत जनगणना कराने का वादा किया है। वो 50% आरक्षण की व्यवस्था को हटा के तमिलनाडु की तरह अलग व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। आज पूरा देश मुंबई की ओर देख रहा है। जब हम महालक्ष्मी योजना लाए थे तब मोदी जी ने हमारा मजाक उड़ाया था, आज वो हमारी योजनाओं की नकल कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमेशा से विपक्ष का मजाक उड़ाने वाले मोदी जी अब खुद विपक्ष के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए और भ्रमित करके वोट लेने के लिए फ्री की रेवड़ी अब खुद बांट रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार ने महिलाओं को साधने के लिए लाडली बहन योजना शुरू की। इस योजना के माध्यम से महायुति महिलाओं का वोट लेना चाह रहे हैं, लेकिन देश की जनता उनकी होशियारी को समझ चुकी है और उन्होंने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। बता दें कि बीजेपी नेता महिलाओं को धमकी दे रहे हैं कि कोई भी महिला जो लाडली बहन योजना का रुपए ले रही है और महाविकास अघाड़ी की सभा में जा रही है तो उसका नाम और फोटो भेज दो, हम उसको सबक सिखाएंगे। वहीं बीजेपी नेता के बयान से आशा साफ है कि महायुति सरकार ने सिर्फ वोट लेने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। चुनाव जीतने के बाद सरकार इस योजना को बंद भी कर सकती है। वहीं अब बीजेपी की इतनी फजीहत होने के बाद देखना होगा कि मोदी और बीजेपी नेताओं के बोली के स्तर में सुधार आता है या फिर भाषण का स्तर और गिरता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।